प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दिलाने की तमाम कोशिशों के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों का लापरवाहीपूर्ण रवैया नजर आ रहा है। शासकीय शिक्षकों की लापरवाही का बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। ऐसे ही हालात बिछुआ शिक्षा विकास खंड अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई स्कूल समारोह प्राचार्य SG पाटवल अपने कार्यालय में समय पर नहीं आते, उपस्थित 12 बजे के पहले नहीं होते। संस्था प्रमुख और उनका शिक्षक स्टाफ आए दिन समय पर नहीं आता और ना ही मुख्यालय में निवास करते हैं, बल्कि छिंदवाड़ा में अप डाउन करते हैं। जब इस बात को लेकर पत्रकार के द्वारा संस्था प्रमुख से चर्चा की गई तो संस्था प्रमुख SG पाटिल और उनके संविदा सहायक शिक्षक मुकेश कोचे क्लर्क अश्विनी पाठी के द्वारा पत्रकारों से अभद्रपूर्ण व्यवहार कर बात की गई। बिछुआ से आकाश कोचे की रिपोर्ट। इसलिए मैं वो भी काम अर्जेंट में करवा रहा हूँ। सर, साला में आने के समय कितने बजे का रहता है सर? पूरा स्टाफ कितने बजे उपस्थित होना चाहिए? नहीं, मेरा स्टाफ जो है 11 बजे के बिल्कुल पहले आ जाता है। वो कोई छूट गया किसी कारण। बजे चालू होते सर? 11 बजे बिल्कुल चालू हो जाते हैं हमारे। और प्रार्थना कितने बजे होना चाहिए? प्रार्थना हमारे यहाँ 11 से 5 मिनट पहले हो ही जाती है। 45 को होती है सर? नहीं, हमारे यहाँ 11 बजे चूंकि स्टाफ आता तो 11 बजे शुरू होती है जी, फिर चालू हो जाती है। शासन का निर्देश तो बोलता है सर 10:45 के इधर ही पहले प्रार्थना हो जाए। क्लास कितने? 11 प्रार्थना हो जाती है। 10:30 बजे कभी कभी हम 10:30 बजे भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि 10:30 बजे। उनको हमने सूचित किया कि भाई आप समय आ रहे हैं और शायद कभी कभी आपके अनुपस्थित हुई वहाँ पर देखी गई। मन मर्जी से आते हैं, मन मर्जी जाते हैं? मन मर्जी की बात तो मुझे पता नहीं है, पर उनकी जो उपस्थिति है बेसब है। मतलब ये मतलब समय पर नहीं आ पाते। स्टाफ भी वहाँ रहता है? स्टाफ तो वैसे जानकारी मेरे हिसाब से जानकारी स्टाफ को रहता है, समय पर जाता है। नहीं, मुख्यालय में रहते नहीं? हाँ, उनका नहीं पता। वो उनका सामरभू में कहाँ रहते हैं कर्मचारी? सामरभू में नहीं रहते, उनका निजी मामला वो करना रहना चाहते हैं। नहीं, प्रचार स्टाफ को मुख्यालय का आदेश है कि मुख्यालय में रहना चाहिए। प्रचार भी इसकी जानकारी अपने को नहीं है, जैसे जानकारी अगर मिलती है तो बता देंगे। क्या वो आप सामरभू पंचायत? मैं ग्राम सामरभू पंचायत में मेरे वाची साहब जो प्रचार है सर, या संकुल प्रचार हो या प्रभारी प्रचार हो या शिक्षक हो या कर्मचारी हो, तो वो सर वो मुख्यालय में निवास नहीं करते, बाहर से अप डाउन करते हैं और समय में भी नहीं आते सर। समय पर नहीं आते सर? ये आपकी शिकायत जो है मैं सुनते हूँ। समय पे आते नहीं सर? बे टाइम आते सर? मैं ये चेक कर रहा हूँ। जो संकुल प्रचार है वो 12 बजे आएंगे, 3 बजे चल जाएंगे। प्रचार का तो वैसा है कि उसको जिला कार्यालय में भी मीटिंग रहती है, शिक्षा विभाग की मीटिंग रहती है हर दिन। नहीं, उसका कोई डिसाइड नहीं रहता है कि कब कौन सी मीटिंग है। स्टाफ को हम दिखवाएंगे कि मन मर्जी से आना जाना सर, इसके ऊपर रोकथाम के लिए क्या करेंगे? हम दिखवाते हैं निरीक्षण। सभी स्कूल की बात कर रहा हूँ सर, चाहे हाई स्कूल हो चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल, सभी में ये लापरवाही सर। मुख्यालय में जैसा आपका रहना मुख्यालय में सर, आप भी हो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आप रहते हो, तो बाकी जो संकुल प्रचार है वो क्यों नहीं रहते? अगर नहीं रहते हैं तो क्यों नहीं रहते? अब ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रभारी प्रचार क्यों नहीं रहते सर? हमने आप से मांगा है कि आप अपना किरायानामा एक शपथ पत्र दीजिए कि आप मुख्यालय में निवास करते हैं, नहीं तो हम आपका HR बंद कर देंगे। तो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, उस संबंध में हमने पहले से भी चिट्ठी जारी कर रखी है, जिसके वजह से सर ये